हैप्पी दिवाली। सब लोग बोलो साथ में, सब लोग साथ में बोलो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। क्या ये स्काई स्काई लैंटरिंग? लैंटरिंग का लैंटरिंग नहीं आवा। इसका मुंह कहाँ है और पैर कहाँ है? कहीं से भी चला दो। ओ मेरा मुंह दिख रहा है इसमें तो नहीं ना। तो आज देखिए सूट पहना हुआ मैंने, ये सूट भी मेरी ही शॉप का है ना, अच्छा सा सूट था, प्यारा सा, तो मैंने ये पहन लिया है। अब आप लोग भी बताएंगे अच्छा है नहीं, मुझे तो अच्छा सा प्यारा सा लगा, मैंने तभी पहना है। तो मैंने कहा सूट पहन लेती हूँ, थोड़ा सा फेस्टिव सा फील आना चाहिए ना। कि हेलो एवरीवन, गुड पता नहीं क्या है अभी, गुड आफ्टरनून है, सॉरी गुड आफ्टरनून है। तो तीन बज रहे हैं अभी ना, तो मैं निकल रही हूँ दुकान की तरफ। तो सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी दिन भर के कामकाज से अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा सा मार्केट में काम है तो दुकान तक जा रही हूँ। तो मैं नीचे थोड़ा सा बैठे बैठा यहीं पेंटो देती हूँ, तो चलिए अब जाके मिलेंगे दुकान में इसी देना। तो बाजार का तो मैं बहुत शूट कर चुकी हूँ, तो कल का जो धनतेरस का वीडियो था उसमें भी पूरा बाजार ही मैंने शूट किया हुआ है, सुबह से शाम तक का पूरा शूट किया हुआ। तो अरे मैं निकलूँ दुकान की तरफ, देर हो रही है एक्चुअली, मेरा खाना चला गया दुकान और वो वेट कर रहे हैं मेरा लंच में। तो लंच करने के लिए मैं दुकान पहुँचना है मुझे, चले मिलेंगे दुकान पे जाके। बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। तो चलिए बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरे पीछे देखिए डिब्बे विकल्प धोए थे ना, वो ऐसे रखे हुए, जो खाली खाली डिब्बे थे वो ऐसे पड़े हुए पीछे, और ये मेरे पीछे चिमनी है हमारी। तो चलिए मिलते हैं बाद में दुकान में जाके, बाय। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए मैं शॉप पे दिन में आ चुकी थी, तीन बजे पहुंच गई थी शॉप पे। तो आज देखिए सूट पहना हुआ मैंने, ये सूट भी मेरी ही शॉप का है ना, अच्छा सा सूट था, प्यारा सा, तो मैंने ये पहन लिया है। अब आप लोग भी बताएंगे अच्छा है नहीं, मुझे तो अच्छा सा प्यारा सा लगा, मैंने तभी पहना है। तो मैंने कहा सूट पहन लेती हूँ, थोड़ा सा फेस्टिव सा फील आना चाहिए ना, कि फेस्टिवल चल रहे हैं तो सूट वूट पहन के थोड़ा सा बिंदी लगा के एंटी छो के। तो इस तरह से मैं आई हूँ दुकान पे। तो शाम के बज चुके हैं अभी 6 बज रहे हैं एग्जैक्ट, तो मैं जाती हूँ घर की तरफ। पूजा का भी शायद टाइम होने वाला है, तो पूजा के लिए ये तो नहीं पहुंचेंगे आप, तो बाद में आ गई पूजा करोगे ना। तो हम लोग पूजा कर लेते हैं, बच्चे और हम लोग मिलकर पूजा कर लेते हैं। तो बताइएगा मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो अभी जाके घर में पूजा जो कुछ भी होता है मैं सब कुछ शूट करने वाली हूँ अभी पूजा। तो फ्रेंड्स मैं निकल गई हूँ घर से। ओए कहाँ भाग रही है? हाँ तो रही हूँ, इसको बंद कर। हाँ तो हम लोग निकल पड़े हैं घर की तरफ, और यहाँ पे शुरू हो गया है। प्लीज आपका बनाने आ रही हूँ, रुको अभी। तो यहाँ पे शॉपिंग कर रही शिल्पी, देखो बोल दे आनी में लोसर के लिए ले रही हूँ। तो चलो चलो, शॉपिंग हो रही है, घुमाए घुमाकड़ी लोग घुमाए, कहाँ कहाँ गए थे पेमा तो देख भी नहीं इधर को। अच्छा आप क्यों नहीं आज नाश्ता करने? तो फ्रेंड्स दिवाली के दिन नैनीताल दिख रहा है कुछ इस तरह से, लाइटें बड़ी घिचपिच सी नजर आ रही हैं, मतलब एकदम से ऐसे नजर नहीं आ रही हैं। मेरे कैमरे में शायद कुछ गड़बड़ है, तो घिचपिचाहट नजर आ रही है लाइटों में ऐसे। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। तो ये हमारे छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पे, अंधेरा हो रहा है लाइट जला दूं ना। तो ये देखिए, तो अपना अपना नाम बताइए आप। जामिन। और आपका? अरहम। और आपका? एमन। और आप? इफ्रा। देखो तो देखिए यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो मैं बस पहुंची ही हूँ घर पे। फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अपना घर। तो कैंडल्स जला चुके हैं आमा जी और नोनी ने, कैंडल्स जला दिए हैं। तो इस तरह से आप, इसी तरह से फिर आप इसी बहाने मेरा घर भी देख लीजिए। चले तो यहाँ से ऐसे हम लोग आते हैं, ये गेट है जहाँ से मैं अंदर आई, यहाँ से उतरते मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ से नीचे को सीढ़ियाँ जाती नीचे वाले फ्लोर के लिए। नीचे है भूभू खड़े। हैप्पी दिवाली भूभू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो यहाँ से नीचे वाले फ्लोर के लिए, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से ना ये नीचे फ्लोर के लिए रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर यहाँ वाले फ्लोर पे। तो इस तरह से हम आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी पड़ा हुआ है सामान अभी भी, यहाँ पे कपड़े वपड़े डले हुए सूखने में, और ये होली फ्लैग्स हैं। और फिर यहाँ से अंदर के लिए है, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है लक्ष्मी का वो जो लगाते हैं, पर मैंने वहीं पे लगा दिया साइड में, जो दिल्ली थी मैंने वहाँ पे लगा ली, तो दिल्ली मैंने यहाँ नहीं लगाई है। तो इस तरह से देखिए कैंडल्स जला रखे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत सी कैंडल्स जला रखे हैं। मैं कुछ पक रहा है, और यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है। ये इस तरह से दिवाली के साथ साथ मेरे घर का छोटा सा होम टूर मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का भी अभी देखिए ऐसे सब फैला दिख रहा था। ये वो फूल जिनसे मैं लूट गई थी कल, मैंने आपको नहीं दिखाए थे ये फ्लावर्स, तो ये वाले फूल मैंने जो लिए थे ना ये कल, उन्होंने मुझे ठग दिया था ये। तो इस तरह से हॉल का हमारा है व्यू। तो ये छोटू सा हॉल है हमारा, मतलब अभी ज़्यादा से डेकोरेट अच्छे से नहीं किया हुआ है, इंटीरियर का काम अभी रहता है हमारा ना, अभी हुआ नहीं है ठीक से। तो बेडरूम से ये एक बेडरूम यहाँ पे है, दूसरा बेडरूम यहाँ पे है, मैं अंदर को नहीं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा मैसी सा है। तीसरा बेडरूम यहाँ पे, चौथा बेडरूम यहाँ पे है। तो ये हम आ चुके हैं पूजा घर में। तो हमारी लक्ष्मी माता कुछ सजी हैं इस तरह से, तो हम जिन्हें दिया हुआ जला दिया है, तो हम पूजा करेंगे। मैं झाड़ू 5 बजे से लेकर कितने टाइम में सजाया आपने? ओहो इस बार ना गंदा नहीं मिला मुझे। अच्छा
ये तो चलो इसका ऐसे करके अच्छा हो रहा है, ऐसा लगाने से अच्छा जो हो रहा है और भी। तो इस तरह से हमारी लक्ष्मी माता ये हमारी यहाँ इस तरह से सजा रखी है। वही हम जैसे लक्ष्मी की कॉइन आपने एक ही रखा, बाकी कॉइन नहीं रखे, सब रख देने थे। अच्छा अच्छा, तो ये इस तरह से है। तो ये हमारा अपना मंदिर है, हम लोग लक्ष्मी माता को इस तरफ को यूं करके लगाते हैं, बनाते हैं हर साल। तो हमारी ये जगह हर साल की होती है, यहीं पे हम लोग लक्ष्मी माता को बनाते हैं। तो अभी आरती स्थापित करते हैं, सॉरी, तो लक्ष्मी माता को यहाँ पे स्थापित करते हैं हर साल। तो फ्रेंड्स, पूजा घर से बाहर को आके हम आते हैं इस साइड को। तो ये साइड, ये वाले प्लांट्स मैं आप लोगों को अक्सर दिखाती रहती हूँ। तो मतलब दिवाली के आड़ में मैं होम टूर आपको एक छोटा सा दे रही हूँ, छोटू सा होम टूर है, मतलब ऐसे उस तरह से। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाहर बालकनी में। तो हमने लाइटें लगा रखी कुछ इस तरह से, ये लाइटें हमारी लगी हुई है, झालर इस तरह से लगी है। तो बंदे ने ना इस साइड जो लाइट वाला था उसने इस साइड को लगाया नहीं, उसने कहा कि इस साइड को उसको लगाने की जगह नहीं मिली, तो उसने इस साइड को नहीं लगाई थी। तो यहाँ से यूं करके लगाता तो और सुंदर लगना था, तो उसने नहीं लगाया। तो इस तरह से दिवाली का नज़ारा आप देख सकते हैं, बम पटाखे फूटने लग गए हैं। तो शाम के बज रहे हैं अभी, पौने सात हो रहे हैं अभी। तो इस तरह से है सामने का व्यू, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो दिवाली शुरू हो चुकी है यहाँ पे नैनीताल में। तो हमने अभी पूजा नहीं करी, हम पूजा वूजा करते हैं फिर हम भी पटाखे छोड़ेंगे इसके बाद। तो चलिए पहले पूजा पाठ शुरू करें, मैं सेंचल को फ़ोन करती हूँ, सेंचल आएगी उसके बाद ही फिर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो वो अभी आई नहीं दुकान से, दुकान बड़ी नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे भी देखिए कैंडल जैसे लगा रखे, कहीं कांच पे ना सेक लगे इसका, कहीं ना मेरा शीशा ही टूट जाए। नहीं ठीक है, तो कैंडल सामने इधर को इस तरह से यहाँ पे खिड़कियों पे टंगा रखे इस तरह से, तो भगवान काले ना करे तो ठीक है, ये काले कर देते ना वरना। तो ये है इस तरह से हमारे घर का जो होम टूर है ना। तो यहाँ पे ये एक लड़ी टूटी हुई थी, तो ये जल नहीं रही है, ये लड़ी टूटी हुई थी। तो ये इस तरह से डेकोरेट हुआ है इस तरह से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ से लाइट है यहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से वो मेन गेट है हमारा आने का यहाँ पे। ओह, चलिए मैं जाती हूँ अंदर को, मैं थोड़ी पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ। सब कुछ तो हो गया, मैं पूजा पाठ ही कर लेती हूँ। चलिए दुकान से मैं अभी आई हूँ और आके मैंने सीधे आप लोगों को दिया है अपना होम टूर। और यहाँ से नीचे को, ये वाला फ्लोर नीचे है, तो हम नीचे जाके भी बाद में शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दिया है आप लोगों को होम टूर। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है हमारा घर, और हमारे घर से जो व्यू दिखता है, यहाँ से जो नज़ारा दिखता है सामने को, देखिए ये नैनी लेक का नज़ारा। और मैं भी नज़र आ रही हूँ इस शीशे में इस तरह से। तो फ्रेंड्स, पूजा की तैयारी में हम लोग, देखिए नौनी पहना हुआ है कुर्ता, ये भी तैयार नहीं हुई, ये भी घर के कपड़ों में ही है। मैं तो दुकान गई थी, जिस कपड़े में उसी कपड़े में हूँ मैं, मैंने चेंज नहीं किया, तो ऐसे ही है जैसा तू है वैसे ही आ रहा है। काला काला इधर इधर, ठीक ठीक है। सूट कहाँ है? बंदरी में सूट पहन के आते बोलो तुझे। तो फ्रेंड्स आ गई है सिंचल, सिंचल आ गई। तो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, सिंचल आ गई है। पहन ना, क्या हो गया फिर तुझे, तूने कुर्ता पहन लिया तो क्या हो गया फिर? मैंने कैसे रही दिवाली, बताओ तो जरा आपकी। अभी चालू नहीं है, अभी स्टार्ट कर रही हूं। और आपकी आपकी दिवाली का क्या है? गेम में लगा हुआ है इसके। दिवाली तो इसकी, दिवाली तो वही तो इसके डालो पे फोटो पड़ते पटाखे। सब लोग साथ में बोलो हैप्पी दिवाली। हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली। और मैमे को भी बुलाओ नीचे से, पूजा करने जा रहे हैं हम लोग सब। चलो सब देखने वाले वो हैप्पी दिवाली। देखो हमारे आमा की तरफ से सभी मेरे व्यूअर्स जितने भी है सबको हैप्पी दिवाली। बुबू को बुलाओ, तो बुबू को बुला के लाओ, फिर हम पूजा करेंगे, आरती वारती करते थोड़ा सा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे पूजा घर में जाके सीधे पूजा करते हुए। मेरे स्किन इतना ड्राई हो रहा है ना, पूरा खींच रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं सब लोग पूजा करने के लिए। तो चलिए पूजा करते हैं। कौन इस दिन सेवत मैया जी, कौन इस हरि विष्णु विदाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूजा पाठ कर चुके हैं, तो अब हम लोग आ गए हैं बाहर। थोड़ा सा शगुन के लिए पटाखे फोड़ दे। आ जा, मैं की वीडियो बनाती हूं। इसका मुंह कहाँ है और पैर कहाँ है, कहीं से भी चला दो। ओ, मेरा मुंह दिख रहा है इसमें तो नहीं ना। सो गाइस, दिस इज सेंचल, और मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। वाओ, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। तल्ली ताल है, और ये मेरे आमा का घर है। ये यहाँ से टॉर्च, सॉरी लाइट, ये ऊपर है, सात नंबर है, या तो कोई चुनाधारा के सामने वाले घर है ये है। और मैं उस साइड का भी दिखाती हूँ, स्नो व्यू साइड का। पीस, ये ओ शिट, बिल्ली, ओ बंदर, ओ मम्मी बंदर, ये अबे रिकॉर्डिंग करते करते आ गए मेरे को।
यार डर लगी होगी गाइस बंदर उसके बम क्यों लगा बम पे लाल लाल गाइस बंदर ये डर रहे हैं बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं बंदर बंदर मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ अच्छा मेरे लिए रिकॉर्ड कौन सुन रहा बंदर डर के बारे में बैठा है ना और ये कौन सा साइड है ये गधेरा साइड गधेरा साइड वहाँ के लोग देखेंगे हमको डांटेंगे ये स्नो व्यू नहीं गधेरा साइड है बच्ची गधेरा साइड ही है ये गधेरा तो फ्रेंड्स हम एक मैं हट तो जरा हम ना ये लेके आए हैं एक पता नहीं क्या टोपी टाइप का सेंचर लाई है सेंचर लाई हुई है कुछ तो हम दूसरा लेने जा रहे सेंचर को किसी ने बोला कि उड़ता नहीं है ना सेंचर नहीं तो हम एक और लेने जा रहे हैं रिंग से पकड़ के ऐसे अच्छा तो लैंप टाइप का जाएगा ये ऊपर को है ना बोला था इसको आराम से पकड़ना ही फट जाएगा इंस्ट्रक्शंस में लिखा है अच्छा तो हम लोग ये उड़ाने वाले थे जल्दी फ्रेंड्स देखते हैं कैसे उड़ता है ये कैंडल जला हुआ है वहाँ पे नहीं नहीं उसका अलग उसका कैंडल कहाँ पे उन्होंने दिखा इसका कैंडल अलग से उसमें अटकाना पड़ेगा कैंडल को इसको फट जाएगा सेंचर खुल भी नहीं रहा है पता नहीं तो जल जाएगा फिर जलेगा नहीं पता नहीं तो चलिए अब देखते हैं इसको उड़ा के अभी एक नया आइटम हमको मिला हुआ है ये उड़ाने के लिए ना तो सेंचर लो नोनी लगे हुए इसको उड़ाने की तैयारी में तो मैंने इनका शूट कर रही हूँ चलिए देखते हैं रॉकेट है ये रॉकेट पकड़ा हुआ है हमने रॉकेट पता हमारा हमेशा आड़ा दिख से जाता है तो इस बार हम कोशिश करेंगे रॉकेट यहाँ से हमारा सीधा जाए ऊपर ग्राउंड जीरो से मैं पिंकी भोटिया न्यूज रिपोर्टर तो चलो है तो फ्रेंड्स हम लोग ने इसको उड़ा रहे हैं पता नहीं क्या है ये तो देखते ये क्या है स्काई स्काई लैंडरिंग लैंडन का लैटरिंग अबे रुक तो जा ये जल ही नहीं रहे तो अबे फटीचर मारने निकाल अबे तेरा ये जल जाएगा भाई जल गया छोड़ दो पूरा सा बनाओ क्या मुसीबत है यार ये तो फ्रेंड्स ये पटाखा हमारे को मिला भाई ओ जल गया छोड़ दो खतरनाक चीज है जब तो ये हो गया फ्लॉप देखिए आप इसकी हालत तो इसका वीडियो बनाना था उड़ाई नहीं तो उड़ेगा तब तक बनाती उड़ाई कहाँ हो क्या करेगा भाई चल गया वो और फाड़ गया इसने तो ये देखिए स्काई लैंडरिंग जिसने ये लिया अगर आप देख रहे हो ना सॉरी जिसने हमने जिनसे लिया आप देख कल हम लोग ठगने के लिए बेटा हम दोनों जगह कल ठग के आए ना पूरा ये नहीं जाता है चलो चलो बाकी ये तो मैंने नीचे रख दिया रॉकेट को कौन उड़ा रहा है रॉकेट उड़ाओ पहले जल्दी रॉकेट एक एक करके उड़ाओ जैसे उड़ाओ यार अच्छा फिर मुझे भारी बोतल मुझे मिली है ना नहीं ढांचे में जा था तो हम लोग फ्रेंड्स अब रॉकेट चलाने की कोशिश कर वो तो हो गया फ्लॉप हमारा जो एक पता नहीं क्या लाई थे हम कल अच्छा वो नहीं लिया सेंचर दूसरे अच्छा वो नहीं लिया हमने वही तो खाली बेकार में बकवास था वो फटा भी नहीं वो तो हाँ जला दे मैं कह रहा हूँ ये फ्लॉप हो जाएगा अरे नहीं अरे जाएगा ऊपर इतना डरता है ना नोनी तो सच में ये हमारा डरपोक ये भाग गया अंदर अंदर चलता बिल्कुल ही अंदर ये वो चिमनी का वो है तो ये देखिए सेंचर ने उड़ाया है पहला रॉकेट ओ माय गॉड सेंचर आग पकड़ गया भागो तो रॉकेट का कोई भरोसा नहीं रहता किसी भी तरफ को जा सकता है वो ओ ये गया हमारा रॉकेट तो सेंचर आप क्या बताना चाहिए हमारे पटाखे कैसे आए हैं बहुत गंदे फटी ले रहे है ना सड़े हुए पटाखे दिए ना हमारे घटिया पटाखे हमारे को मिले तो फ्रेंड जो भी लेते हैं ना पटाखे अपने जान पहचान वालों से कभी मत लेना इतने घटिया पटाखे देते ना वो घटिया से भी घटिया हमारे तो जो रॉकेट भी उन्होंने बड़ा अच्छा बहुत ही बेकार टोटल बेकार पटाखे लाए हुए हमने अब एक भी नहीं चल रहे अच्छे इतने गंदी गंदी से पटाखे लाए हुए तो ये एक छुट ले ये क्या था ओ जल गया शुक्र है ये तो जला नहीं तो सारे के सारे ऐसे निकल गए बेकार से हाँ ये अच्छा जला ये अच्छा जला। ये एक और जला मेरे ऊपर आने का खतरा है इसमें ये कलरफुल सा है प्यारा सा कलर है इसका अंदर अंदर खा रहे तुम दोनों बाहर को चलो मेरे गले में जा रहा है धुआं पूरा बुझा भाई दोनों बुझा तो मेरा पाँव चला पाँव से चला मेरा पाँव में जूता नहीं है मेरा जूता नहीं है जूता खराब मेरा चप्पल जी अच्छा मोम तारे इसमें रॉकेट भी टेढ़ा निकला वही तो चलो अब मैं जा रही हूँ अंदर तुम दोनों देखना जल्ला मत आराम से करना जो भी करना है ठीक है मैं खाना बनाती हूँ तो फ्रेंड्स मेरे बच्चों के साथ मस्ती करिए थोड़ी सी तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर खाना तैयार करती हूँ तो खूब सारे पटाखे उड़ रहे हैं जैसे तो चलिए मैं इस साइड को देखती हूँ जरा कुछ अच्छे अच्छे पटाखे उड़ रहे हैं उधर उधर को सामने को चलिए बैक कैमरा करती हूँ मैं टर्न कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ तो ये देखिए ये है असली वाले रॉकेट ना हमारा रॉकेट तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है टेढ़ा सीधा जा भी रहा है हमारा रॉकेट तो इतना बेकार सा जा रहा है हमारा रॉकेट तो
तो सामने में अच्छे अच्छे पटाखे फूट रहे हैं। तो ये एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं, बट चलिए एक दिन के लिए माफ़ है। वाओ लेक पे देखिए कितना अच्छा सा एक पटाखा फूटा है लेक के ऊपर जाके सीधा। क्या हो गया? कपड़ों में मत डालो, कपड़ों में मत, ऐसे सारे में मत डालो, सारे में मत करो, वहीं पे करो, सारे में मत लाओ, सारे में मत लाओ। हेलो हेलो इवनिंग फ्रेंड्स, तो आज हमारे घर में बन रहे हैं छोले भटूरे। छोले आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयार बने हुए हैं, छोले नोनी के पसंद के बने हुए बिल्कुल एकदम, उन्होंने खा के देखा तुम टेस्टी है। हाँ हाँ। मस्त है ना। तो ये छोले बनके तैयार हो गए हैं, ये मेरे भटूरों के लिए तेल हो रहा है गरम, और मैंने ये बेल के रख दिया कुछ एक भटूरे क्योंकि अभी मेरे मेमे को खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने आप मेरी तरफ एक बार कैमरा घुमाई। तो फ्रेंड्स आप मेरे कानों में देख सकते हैं मेरे जो इयररिंग्स हैं, आप देख रहे होंगे थोड़ी देर पहले, ये नहीं थे अभी भी शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे, मैंने नोटिस करवाए हैं आप लोगों से। ये मैंने अभी दावर का वीडियो कॉल आया था तो मैं उससे बात करी, तो उसने बड़े बड़े इयररिंग पहने, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी पहनूं, तो मैंने ये पहने, तो मैं देखती हूं कैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके प्लीज, मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ना, प्लीज मत बोलो। क्यों फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा भटूरा गया है तेल में, तो देखते कैसे फूलता है, ये फूलता है या नहीं फूलता है। चलिए मैं आज बड़े दिनों मतलब दिवाली के जो आज की रात में हम लोग भटूरा ही खाते हैं हर साल ना। क्या खाते हैं दिवाली की रात को? हैं बटर चिकन, लेकिन खिलाया नहीं हमने इस बार। बकवास करेगा, हर साल भटूरा छोला भटूरा ही खाते हैं, छोला छोला भटूरा ही खाते हैं यार। बटर चिकन हम फिर किसी दिन खा लेंगे, तो आज हम छोले भटूरा ही खाने वाले हैं। ये ना इस तरह से कड़ाड़े बन रहे हैं भटूरे, मैंने इसमें कुछ कुछ जो मसाला मारा है ना कड़ाड़े बनाने के लिए मारा था। कड़ाड़े कड़ाड़े कड़ाड़ी मैंने आटे में मेथी डाली, तो मेथी का फ्लेवर आ रहा है पूरा ना घूम के, तो इसको मैं ऐसे घुमा के रखूं। क्या पता मैंने खाया नहीं, हुई खुशबू आ रही है, खुशबू। हाँ खुशबू आ रही है, ऐसे थोड़ी ना उबालते हैं वो होटल वाले, वो तेल उछालते हैं भटूरे के ऊपर। पास से मैं इस भटूरे को तब से शूट के एक भटूरा फुला है बड़ी मुश्किल से मेरा।